भाई इसमें तो कोई शक नहीं कि ऋतिक सर नेवर डिसअपॉइंट। आज मैंने विक्रम वेदा मूवी देखी और भाई क्या पिक्चर थी यार, एकदम भाई बूम्स बम्स आ गए। मतलब भाई जिस तरीके से पिक्चर में सीन बाय सीन हमें परोसा गया है ना, दैट विल बी फैबुलस। मतलब तुम तो फिदा हो जाऊंगी इस पिक्चर पे भाई। जब इसका इंटरवल आया तो मैंने कहा कि भाई अब तक अपने जितने बॉलीवुड के फ्लॉप मूवीज को देखा है उन सबके पैसे आज वसूल हो गए। मतलब एकदम भौकाल लेवल की इस मूवी की स्टोरी है। जब जब वेदा विक्रम को कहानी सुनाता है और जब वो कहानी एंड होती है और उसके बाद में जो सीन्स हमें दिखाए जाते हैं भाई, एकदम दिमाग हिला देने वाली खेल है। और वैसे तो पिक्चर की लेंथ काफी ज़रा बड़ी है, लेकिन भाई पिक्चर का टाइम पता ही नहीं चलता। स्टोरी बाय स्टोरी जिस तरीके से कनेक्ट होती चली जाती है, एक के बाद एक रात के पिटाई जिस तरीके से खुलते जाते हैं भाई, तुम्हारा दिमाग एकदम हिली जाएगा कि भाई ये क्या, ये तो कभी सोचा ही नहीं था साला, ये ऐसा हो सकता है। बस यही सारे रिएक्शन तुम्हारे चेहरे पे आने वाले हैं। अब कई लोग बोलेंगे भाई ये रीमेक है, तो हाँ भाई हाई रीमेक, उसमें मैं कोई थोड़ी मना कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ओरिजिनल मूवी नहीं देखी तो मैंने इसको एकदम दिलो जान से एकदम पूरी तरीके से इंजॉय किया। और अगर तुमने ओरिजिनल विक्रम वेदा नहीं देखी तो यकीन मानो इसका टिकट बुक करो, एकदम तुम ऋतिक सर के बड़े वाले फैन आज ही बन जाओगे। तो देखो जो ओरिजिनल विक्रम वेदा मूवी थी ना, उसी के डायरेक्टर ने इसे बनाया है, बस एक तरीके से हिंदी ऑडियंस के लिए थोड़ा इसे मेजर चेंजेस किए गए हैं। अब ऋतिक सर की मूवी का लेवल ही कुछ और होता है। और भाई इसमें जब उनकी एंट्री होती है तो भाई एकदम सी बूस्ट बम्स आ जाते हैं कि भाई अब तो एकदम भौकाल मचने वाला है। मतलब धीरे धीरे मूवी की स्टोरी जिस तरीके से बिल्ड होती है, कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर जब वो स्टोरी खत्म होती है वेदा की, फिर एक नई कहानी शुरू होती है, फिर वो एंड होती है, फिर एक नया सस्पेंस खुलता है, फिर वो एंड होता है, और फिर इसका क्लाइमैक्स उसका तो एक अलग ही नशा है। मतलब समझ रहे हो, सीन बाय सीन जिस तरीके से एक बार स्टेप बाय स्टेप मूवी आगे बढ़ती जाती है, तुम लोगों का हाइप और मजा भी उस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। मतलब बहुत बहुत ही एक्सीलेंट डायरेक्शन, बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोरी टेलिंग, और हर एक एक्टर का एफर्ट जो हमें दिखता है कि भाई रीमेक होने के बाद यहाँ पर उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, फिर ओरिजिनल मूवी से कॉम्पीट नहीं करना पड़ता बल्कि उससे बेहतर यहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ता है। मतलब वेदा के कैरेक्टर को जिस तरीके ऋतिक सर ने यहाँ पर अपनाया है भाई, मुझे सच में बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो अगर भाई तुम कोई मूवी देखने की सोच रहे हो इस टाइम पे, तुम्हारे थिएटर में लगी है विक्रम वेदा, तो भाई बिना सोचे समझे जल्दी से टिकट बुक करो, तुम्हारा पैसा एकदम वसूल हो जाएगा। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।